हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि ग्रैंड लीग की यूनिक टीम कैसे बनाई जाती है। यूनिक टीम ही आपको ग्रैंड लीग में टॉप या रैंक वन दिला सकता है। जब तक आप यूनिक टीम नहीं बनाओगे, आप भूल जाओ कि आपकी टीम कभी भी टॉप या रैंक वन आ सकती है। यूनिक टीम वो होता है जिसमें कई सारे प्लेयर यूनिक होते हैं, जिनका सिलेक्शन 0 से 15%, 20%, 30% तक हो सकता है। आप हर मैच में ये भी देखते हो कई सारे बड़े प्लेयर जो फ्लॉप हो जाते हैं, जिनका सिलेक्शन काफी ज्यादा रहता है। जबकि यूनिक प्लेयर, कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को ऐड करके टीम बनाओगे तो आपकी यूनिक टीम बनती है। आप कभी भी किसी भी प्लेयर को पिक कर लेते हो, किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर देते हो, तो इस तरह से यूनिक टीम नहीं बनती है, क्योंकि आपके टीम में कई सारे फ्लॉप प्लेयर पिक हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी टीम ही फ्लॉप चली जाती है। आपको यूनिक टीम के साथ अपने टीम को बेस्ट भी करना है। आपको वो 11 प्लेयर का पता लगाना होता है कि कौन कौन से प्लेयर परफॉर्म करेंगे। जब आप भी इस ट्रिक और इसी तरह प्रिडिक्शन करने लगोगे, लॉजिक लगाने लगोगे, तो आपकी भी यूनिक टीम बनेगी। आप भी ग्रैंड लीग को विन करोगे, जिस तरह से मैं ग्रैंड लीग को विन करता हूं और लगभग जितने लोग भी ग्रैंड लीग को विन करते हैं, सारे लोग इसी तरह प्रिडिक्शन और ट्रिक को अपनाते हैं, तभी उनकी टीम यूनिक बनती है। क्योंकि आपको भी पता है कि मेगा ग्रैंड लीग में भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, और किसी का मकसद ये नहीं होता कि मैं ग्रैंड लीग को विन ना करूँ। टीम ज्वाइन वही लोग करते हैं, सभी का मकसद होता है ग्रैंड लीग को विन करना। यूनिक टीम के भी दो कंडीशन होते हैं। जब मैच खत्म होते हैं, जब आप रैंक देखने जाते हो, तो आप देखते हो कि टॉप 10 या रैंक 1 पे 2 पे इस तरह का रैंक क्लैश नहीं रहता है, जबकि यहां पे मेंबर बहुत ही ज्यादा रहता है। 1,14,00,000 इसी कॉन्टेस्ट में है और रैंक 1 पे सिर्फ एक लोग है। अगर आप टॉप 10 में भी देखोगे तो टॉप 10 में भी रैंक क्लैश नहीं रहता है, यहां तक कि 100 तक भी देखोगे तो रैंक क्लैश नहीं रहता है, जबकि दोनों टीम के 11-11, 22 प्लेयर ही रहते हैं और आपके टीम में भी 11 प्लेयर रहते हैं। तो यहाँ पर रैंक क्लैश तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी टॉप में जो होते हैं, टॉप में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन बस मिडिल में और लास्ट में होता है, क्योंकि लोग सेफ टीम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि यहाँ पे देखोगे कि 1,14,00,000 मेंबर है, रैंक 1 पे आए हैं, उनका भी ड्रीम टीम नहीं है, फिर भी वो सिंगल ही रैंक 1 पे है। यहाँ पे इनका पॉइंट भी देख सकते हो, 929 है, जबकि इसके टीम में क्लासन है, जो कि इस मैच का ड्रीम प्लेयर भी नहीं है। और यहीं पे आप ड्रीम टीम देखोगे, जहाँ पे गायकवाड होनी चाहिए, जो रैंक 1 पे आए हैं, उसके टीम में क्लासन है, जो कि वो प्रॉपर परफॉर्म भी नहीं किए हैं। अगर कोई 1,14,00,000 मेंबर में क्लासन की जगह पे गायकवाड़ लेकर आते और सेम टीम रहता, तो उनका रैंक 1 आ जाता, फिर जो 1 रैंक पे आए उनकी रैंक 1 पे नहीं आ सकता। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो देखो, मेगा ग्रैंड लीग में 60 से 70% विनिंग जोन रहता है। अगर आप सेफ टीम लेकर भी आ जाते हो तो यहाँ पे आपको विनिंग जोन में बनाए रखता है। यूनिक टीम क्या होता है कि यूनिक टीम बस बहुत ही कम लोग बना पाते हैं। यूनिक टीम तो बहुत सारे लोगों का रहता है। यहाँ पे 60 से 70% विनिंग जोन है, और जो विनिंग जोन से बाहर जाते हैं वैसे लोगों का भी यूनिक टीम रहता है, लेकिन उनके टीम में फ्लॉप प्लेयर रहते हैं, जिसके कारण उनकी टीम विनिंग जोन से भी बाहर चली जाती है। जबकि भीड़ की बात करें तो बस मिडिल में ही फंसा रहता है ज़्यादातर लोगों का टीम, और उसमें टीम बहुत सारे टीम कॉमन रहते हैं, एक टीम के जैसा बहुत सारे टीम रहते हैं। जब आप कभी PDF खोल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन टॉप में कोई भी भीड़ नहीं रहता है। तो बस आपको वैसी ही टीम बनानी है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो। तो आज मैं आप लोगों को यूनिक टीम बनाने के लिए ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से ग्रैंड लीग की यूनिक टीम बनाओगे और आपकी टीम टॉप भी करेगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देख लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेट मिलता है और मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, जिसके लिए आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बाद कोई भी न्यूज अपडेट आते हैं वो तो बताया ही जाता है। साथ में ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, और जैसे ही मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, समझो आपकी जीत की जर्नी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आप मेरा टेलीग्राम का टीम स्क्रॉल करके देखोगे, विनिंग स्क्रॉल करके देखोगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस लेवल की मेरी टीम रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लिए होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि यूनिक टीम बनाए कैसे। तो यूनिक टीम बनाने के लिए आपको पहले कॉन्टेस्ट फाइनल करने होते हैं। तीन तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, एक होता है स्मॉल लीग, तो स्मॉल लीग की बात नहीं करूंगा, दूसरा है मिनी ग्रैंड लीग और तीसरा है मेगा ग्रैंड लीग।
मिनी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिनी ग्रैंड लीग में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, टीम परफेक्ट जाता है, तो आप एक रैंक पे आ सकते हो, आप जीत सकते हो। जबकि मेगा ग्रैंड लीग में आपके सारे के सारे प्लेयर परफॉर्मर ही होना चाहिए, आपकी टीम परफेक्ट ही होना चाहिए, तभी आप टॉप कर सकते हो। अगर आप जल्दी में हो, ग्रैंड लीग विन करना चाहते हो, तो फिर मिनी ग्रैंड लीग खेला करो। इसमें थोड़ा ज्यादा एंट्री फीस लगेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम रहता है और यहाँ पे प्राइस ठीक ठाक दिया जाता है। तो इसलिए मैं भी कई बार मिनी ग्रैंड लीग ही खेलता हूँ। मेगा ग्रैंड लीग भी खेलो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग भी खेलो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ही बड़े लेवल पे मिलते हैं और यहाँ पे जीतते हो तो आपकी लाइफ ही चेंज हो सकती है। जबकि मेगा ग्रैंड लीग में भी अच्छे खासे अमाउंट मिलते हैं। आप ट्राई मिनी ग्रैंड लीग भी किया करो, मिनी ग्रैंड लीग में भी ठीक ठाक रहते हैं, अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके से कंडीशन बताऊंगा और टीम में अलग अलग तरीके से रिस्क लेना होता है। मेगा ग्रैंड लीग में आपको मेगा ग्रैंड लीग में ऊपर नीचे नहीं चलता है, आपकी टीम सारे के सारे प्लेयर परफॉर्मर होनी चाहिए। और मेगा ग्रैंड लीग में कम से कम 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन लो रहेगा, जिसको आप यूनिक प्लेयर कह सकते हो, वैसे प्लेयर को एड किया ही जाता है। जबकि वही आप मिनी ग्रैंड लीग खेलते हो तो मिनी ग्रैंड लीग में आप 3 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी या यूनिक प्लेयर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेंबर कम रहते हैं, कंपटीशन कम रहते हैं और यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। अगर आपकी टीम परफेक्ट जाती है, कुछ पॉइंट का डिफरेंट भी रहता है, तो आप टॉप में जा सकते हो, क्योंकि भीड़ बहुत कम रहती है, यहाँ पे टीम बहुत कम रहती है, तो इसलिए रैंक 1 पे आया जा सकता है। अब आ जाते हैं टीम बनाने में। टीम बनाने में आप दोनों टीम का प्लेइंग 11 लिख ले बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, कौन से प्लेयर कितने नंबर पे बैटिंग करेंगे और कौन से बॉलर कितने नंबर पे बॉलिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग के पावर प्ले बॉलर और डेथ के बॉलर का भी जानकारी होनी चाहिए, साथ में मिडिल में बॉल करने वाले और खासकर स्पिनर का रोल कब इंपोर्टेंट हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्लेयर का डिसाइड कर ले कि उनमें सेफ प्लेयर कौन सा है। अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो टॉप में बैटिंग करेंगे और वो ऑलराउंडर है, बॉल करने की संभावना भी है, तो वैसे प्लेयर को आप सेफ मान सकते हो। या कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो लगातार रिसेंट में कंसिस्टेंट है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे, तो वैसे प्लेयर को आप सेफ मान सकते हो। दूसरा प्लेयर जो होता है वो है रिस्की प्लेयर। रिस्की प्लेयर कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, तो उसके लिए आपको टीम का कंपेयर देखना होता है रिस्की प्लेयर के लिए। क्योंकि मान लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच होगा, तो इंडिया अगर चेस करेंगे तो चेस में क्या होगा कि उनका टॉप ऑर्डर अक्सर रन बना देंगे, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं वो रिस्की हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको टीम कंपेयर देखना जरूरी है। तो वो टीम कंपेयर में मैं आपको रिस्की प्लेयर के बारे में बताऊंगा। साथ में होता है ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी प्लेयर। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन होता है जिनका सिलेक्शन 0 से 30% तक रहता है और उस प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। मान लेते हैं कि कोई टीम के बीच मैच हो रहा है, तो कोई सीरीज हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे प्लेइंग 11 में प्लेयर ऐड हुए हैं जो डोमेस्टिक मैच खेले हैं या ज्यादा इंटरनेशनल के गेम नहीं खेले, तो वैसे प्लेयर का इंफॉर्मेशन ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है और लोग सीधा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि इंडिया की तरफ से अभी साई सुदर्शन ऐड हुए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज चल रहा है, तो 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म किए हैं। उसी तरह साउथ अफ्रीका की तरफ से टीडी जॉर्जी हैं जो कि ओपनिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि भाई प्लेयर अच्छा है, लेकिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था और उनका सिलेक्शन सिर्फ 2 से 3% था और परफॉर्म भी किए। उसी तरह बॉलर में है बर्गर साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो भी अच्छे बॉलर हैं। उसी तरह मोल्डर है। तो इस तरह के प्लेयर का आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो नया नया डेब्यू करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टीम के जो प्लेइंग 11 है तो कुछ प्लेयर पिछले मैच में जो खेले हैं, हो सकता है अगले मैच में ना खेले, तो उनकी जगह पर प्लेसमेंट होता है, उसमें भी बड़े प्लेयर आ जाते हैं। लेकिन लोगों का क्या है, मैच से पहले लाइनअप आने से पहले लोग जो है उन्हीं प्लेयर को पिक करके बैठते हैं और जैसे ही लाइनअप आता है तो देखते हैं वो प्लेयर नहीं खेले और जो नए प्लेयर ऐड हुए हैं उनके बारे में उनको लोग नहीं देखते हैं। तो फिर जो प्लेयर नए ऐड हुए हैं और वो प्लेयर अच्छे हैं, तो वैसे प्लेयर को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो। और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हमेशा टीम कंपेयर देखकर ही बनाए, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं टीम कंपेयर देखते हैं और टीम कंपेयर में सारा कुछ क्लियर करेंगे। टीम कंपेयर आपको देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जब भी टीम बनाओ तो आप पहले टीम कंपेयर देख लो, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड लेना कि कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, किस प्लेयर को हम ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले स्ट्रांग और वीक टीम के बीच मैच है, तो अगर स्ट्रांग टीम पहले बैटिंग करेंगे तो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो उनका विकेट कुछ ना कुछ तो जरूर गिरेगा, तो उस कंडीशन में आप वीक टीम के बॉलर को इंपॉर्टेंट बनाकर उनके बॉलर को पिक कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या कि स्टार्टिंग में स्ट्रांग और वीक टीम के बीच मैच होगा तो लोग स्ट्रांग टीम के बैट्समैन को और बॉलर को भी पिक करेंगे, तो वैसे तो वीक टीम दोनों कंडीशन में वीक है तो उनकी विकेट भी गिरेंगे, तो स्ट्रांग टीम के बॉलर तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, लेकिन वीक टीम के बैट्समैन से ज्यादा बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक विकेट का
पॉइंट जो है 25 से 30 मिलता है, तो इसलिए वीक टीम के बॉलर पे फोकस किया करो, खासकर वैसे टीम का ऑलराउंडर पे फोकस किया करो जिनका दोनों संभावना होगा परफॉर्म करने का। तो इस तरह से कंपेयर करो, और उसमें स्ट्रांग टीम के जो प्लेयर को फ्लॉप करना है तो पहले बैटिंग करेंगे तो इनके कोई एक टॉप को ड्रॉप कर दो, साथ में मिडिल के बैट्समैन को ऐड करो। वही अगर चेस करते हैं स्ट्रांग टीम वीक टीम के अगेंस्ट, तो स्ट्रांग टीम हमेशा स्ट्रांग रहते हैं तो उनके टॉप ऑर्डर रन मार जाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग टीम ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप स्ट्रांग टीम के बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, और जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले हैं, कुछ प्लेयर होते हैं जिनका सिलेक्शन काफी ज्यादा रहता है, तो वैसे प्लेयर को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं आएगी तो वैसे फ्लॉप हो जाएंगे। तो वैसे प्लेयर को आप रिस्की बनाकर फ्लॉप कर देना, जबकि लोगों के टीम में रहेंगे और वैसे प्लेयर को आप इग्नोर करोगे, वैसे प्लेयर की जगह पे आप रिस्की प्लेयर को ऐड कर सकते हो। दूसरा मैच होता है दोनों स्ट्रांग टीम होती है, दोनों स्ट्रांग टीम में बॉलर और बैट्समैन दोनों की संभावना होती है परफॉर्म करने की, तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेयर का बैटल कि कौन से बॉलर किस बैट्समैन को परेशान करते हैं। तो उसमें आपको पिच रिपोर्ट भी देखने होते हैं कि कितने रन बन सकते हैं और कितने विकेट गिर सकते हैं, तो उसमें आपको लॉजिकली टीम बनानी होगी। तो सबसे पहले आपको दोनों स्ट्रांग टीम में पिच रिपोर्ट देखना, वैसे हर एक मैच में आपको पिच रिपोर्ट देखने पड़ते हैं लेकिन स्ट्रांग टीम में बारीकी से पिच रिपोर्ट को देखना होता है, और उसमें प्लेयर का बैटल और हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू, परफॉर्मेंस, ये तीन चीज आपको देखने होते हैं। साथ में दोनों वीक टीम है तो इसमें आप सबसे पहले पिच रिपोर्ट देख ले, और वीक टीम में हमेशा देखना, दोनों अगर वीक टीम रहेंगे तो दोनों वीक टीम की कंडीशन में रन अच्छे खासे बन जाते हैं या विकेट अच्छे खासे गिर जाते हैं, तो दोनों टीम का विकेट गिरने की संभावना रहती है, तो उसमें बस बैट्समैन अच्छे प्लेयर को ही लेना है लेकिन बॉलर पे फोकस करना है। कुछ ऐसे बॉलर रहते हैं दोनों वीक टीम की तरफ से जो विकेट अक्सर निकालते हैं, तो वैसे बॉलर को पिक करना है। बहुत सारे लोग वैसे बॉलर को इग्नोर करके चलते हैं, तो वैसे बॉलर को पिक कर लोगे, बॉलर में यूनिक कर देना है। दोनों वीक टीम रहेंगे तो हमेशा आप बॉलर पे फोकस करके निकालते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बनाएं किसको। तो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, तो मैं पहला बात बोल दिया कि एक स्ट्रांग टीम है एक वीक टीम है, तो वीक टीम के बॉलर को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो। वही आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आप पिक कर सकते हो, जैसे बहुत सारी टीम होती है उनके टॉप ऑर्डर के एकाक बैट्समैन होते हैं जिसको लोग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन चेस करने में वीक टीम के अगेंस्ट क्या होता है, सामने वाली टीम अगर रन कम बनाते हैं तो वैसे कंडीशन में टीम के पास प्लेयर के पास कोई भी प्रेशर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में आराम आराम से रन बना जाते हैं, या कोई ऐसे प्लेयर हैं जो फ्लॉप जा रहे हैं, वैसे प्लेयर को भी आप सेकेंड इनिंग में अगर उनकी टीम स्ट्रांग है तो वैसे प्लेयर को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो, अगर लोग उनको ड्रॉप कर रहे हैं तो। उसके लिए आप पिच रिपोर्ट देख लेना, पिच रिपोर्ट पे भी निर्भर रहता है, और पिच रिपोर्ट में अगर स्पिनर को कोई इग्नोर कर रहा है, स्पिनर सपोर्ट पिच है, तो आप स्पिनर के सपोर्ट में टीम बनाएं। दूसरा है, अगर आप विनिंग दूसरा स्ट्रांग टीम अगर चेस कर रहे हैं तो उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो जिनको लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो वैसे प्लेयर को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो। और वही वीक टीम के कुछ ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग टॉप में करते हैं या मिडिल में भी करते हैं, खासकर वो बॉलिंग करने वाले हैं, तो वैसे बॉलर को आप कैप्टन या वैसे ऑलराउंडर को ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो। साथ में आपको देखना होता है कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जैसे कि सामने वाली टीम में अगर लेफ्ट हैंडर नहीं है और सामने वाले टीम में वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, पिछले जो मैच खेल कर आए हैं किसी टीम के अगेंस्ट, तो उस टीम में लेफ्ट हैंडर थे तो वो विकेट निकाले थे, लेकिन इस मैच में सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर नहीं है तो वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो वैसे बॉलर को आप ड्रॉप कर सकते हो। वही अगर कोई ऑफ ब्रेक बॉलर सामने जो पिछले मैच खेले हैं उस मैच में वो प्लेयर बॉल नहीं किए हैं, लेकिन इस मैच में सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो ऑफ ब्रेक बॉलर रहेंगे तो उनको बॉल कराने की संभावना रहेगी, तो वैसे प्लेयर को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो। तो ये लॉजिक होता है। जो मेन पॉइंट है कि मेगा ग्रैंड लीग की आप जब भी टीम बनाओ तो सबसे पहले ड्रीम इलेवन या किसी भी फैंटेसी पे जिस पे आप खेलते हो वहां पे आप एक सेफ टीम बनाओ। सेफ टीम क्या होता है, सारे हाई सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से प्लेयर को चयन कर ले और उस टीम को प्रीव्यू करके देख ले, तो आप माइंड में सेट कर लेना कि ये टीम कभी भी टॉप नहीं कर सकती है, तो फिर उसको देखकर आप उस प्लेयर में डिसाइड करें, टिक करें कि कौन कौन से प्लेयर इस मैच में चल सकते हैं, जिसका परफॉर्म आ सकता है उसको रखें और बाकी प्लेयर को हटा दें। बाकी प्लेयर जो आपको ऐड करना है तो सबसे पहले टीम का कंपेयर देख लिया है, और उसमें मैंने टीम कंपेयर का बता ही दिया कि किस तरह से आपको प्लेयर को चयन करना है। साथ में पिच रिपोर्ट भी देख लें, पिच रिपोर्ट में अगर स्पिनर सपोर्ट है तो कुछ स्पिनर को ऐड कर लें, बैटिंग सपोर्ट है तो बैटिंग बैट्समैन को ऐड कर लें, तो इस तरह से यूनिक टीम बन जाती है। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जहां आपको फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम मिल जाती है, जो कि डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ में वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, आपके मन में किसी तरह का डाउट हो और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू।